देखे जरा इतना देर क्यों हुआ मैया, चल ना मार खा रही थी। अरे पर मिनट करने नहीं आ रही है, तो मारेगा जून तक। ये देखिए जरा, चलो 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 चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का जयजस्वी ब्लॉग्स में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत कई बोल रहे थे कि आप आजकल ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे थे कि डालेंगे, बना भी रहे थे वीडियो, लेकिन बहुत दिन हो जा रहा था तो हम डाल ही नहीं रहे थे। तो आज हम सोच रहे पक्का इसको हम डालेंगे और एकदम पूरे मन से आज वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो अभी सुबह का 10 बजा है और मेरा आँख देख सकते हैं अभी फुला फुला है। नाश्ता करने के बाद में ना फिर से हम थोड़ा देर के लिए लेट गए थे, सोचे कि आँख को थोड़ा देर आराम करने के लिए देते हैं। ज़्यादा देर नहीं लेटे, लगभग आधा घंटा जैसे लेटे होंगे, सोए भी नहीं होंगे हम, लेटे थे और उठिए तो आँख मेरा फुला फुला दिख रहा है अभी। तो यहाँ का मौसम ना आज एकदम बादल बादल है, ठंडा ठंडा भी लग रहा है और हम पहने नहीं हैं कुछ भी, क्योंकि अभी हमको जाना है काम करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जाएंगे सोच रहे हैं, और स्वेटर वेटर पहन के ना काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। ठंडा का मौसम हमको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पसंद है घूमने के लिए सिर्फ, और घर में काम करने के लिए हमको ठंडा का मौसम नहीं पसंद है। कपड़ा पहन के काम करो एकदम अच्छा नहीं लगता हमको। तो इधर अनुज साफ सफाई कर रहा है, हम लोग 2-3 दिन यहाँ पर लगे हुए थे बगान में, साफ सफाई किए हैं, अभी बहुत सारा साफ सफाई हो गया है और बहुत करना है। उधर भी कर रहा है यहाँ पर, आज इसका स्कूल, इसका नहीं मतलब ई लोग का भी छुट्टी छुट्टी है, छठ तक का भी छुट्टी रहेगा ई लोग का, और अस्मिता का तो वो स्कूल है, वो गई है स्कूल, और अनुज मजा ले रहा है घर में। अस्मिता का आने का भी टाइम हो जा रहा है, आज जल्दी आएगी, तो हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। अनुज कैसे साफ कर रहे हाँ, छिलना नहीं है, सिर्फ घास को ही करना है, घास को कर रहे हैं ना, जूता मोजा कुछ भी नहीं खोला ही। और इधर थोर इसका एक ठो साथी ना, इसको कोई ले गया है शायद, मिला ही नहीं, कोई बांध दिया होगा घर में। बोलते हैं कुत्ता लोग अक्सर 10-15 दिन में वापस आ जाते हैं अगर खुला रहने से, लेकिन शायद कोई बांध दिया है इसीलिए आया ही नहीं लोग, की थोर केवल है घर में, और ये बहुत मज़ा ले रहा है अकेले अकेले। तो दोस्तों अभी हम इसमें नहीं, इसमें पहले इसमें उठाते हैं, तो अभी हम ना इसको बनाएंगे, कुछ कम हो गया जैसे, कम है थोड़ा सा, कम लग रहा है, तो हम 2 आलू मिक्स करेंगे। उधर कद्दू भी है लेकिन उसको नहीं बना रहे आज, इसको बनाएंगे, कद्दू कल लेके आए हैं, ये पहले से था घर में, तो इसको हम बनाएंगे अभी। पहले इसको धो लेते हैं फिर भाफेंगे। यहाँ पर मेरा चावल पक रहा है और इधर अनुज आ गया है सब्जी को चलाने के लिए, इसमें कुछ में मिला दिए हैं बरी, अनुज बढ़िया से भूंज दे रहा है, चला दे रहा है, चला दे रहा है मतलब मजा आ रहा है चलाने के लिए, वैसा लग रहा है। अस्मिता आ गई है स्कूल से और इसको देख के हम कहाँ से आए, क्यों बताए, क्यों बताए, अभी दोनों लड़ रहे थे और रो रही थी और कूद के आई है उसी के साथ काम करने के लिए, जा फेंको। क्या कर रही है, डाल ली ट्यूशन का? हाँ। और अनुज क्या कर रहे है? टीवी देख रहा है। टीवी देख रहा है, घर में रहना ट्यूशन से आने के बाद। अस्मिता डाल ली है अपना बैग में, वाला बैग में ट्यूशन का कॉपी किताब रेडी हो रही है। अभी कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 2:10 हो रहा है और अभी से तैयारी कर रही है, जाना है इसको 3 बजे। तो दोस्तों यहाँ पर अरवा धान सुखाने के लिए निकाले थे, सूख गया है, अभी हम डाल रहे हैं बोरा में, बोरा में डालेंगे, उसके बाद में लेके जाएंगे अनुज के पापा कुटवाने के लिए। अभी ना शाम का टाइम है और हम धान को उठा ले रहे हैं, उतना ज़्यादा भी शाम का टाइम नहीं है, हल्का हल्का धूप है, फिर भी हम उठा दिए धान को, क्योंकि अनुज के पापा बोल रहे हैं अभी तुरंत लेके जाएंगे कुटवाने के लिए, लेकिन जाने से पहले एक बार फ़ोन ज़रूर करेंगे मिल दुकान में, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है ना कि धान को लेके जाते हैं फिर वापस लेके आना पड़ता है बिना कुटवाए, क्योंकि कभी कभी बंद रहता है इसीलिए,
और यहाँ मेरा धान बिना झाड़ू का भी एकदम आराम से उठ गया। प्लास्टिक में धान डालते हैं ना तो आराम से उठ जाता है बिना झाड़ू का भी। और हमको भी निकलना है बाहर, तो बाल को बचाने के लिए हम लगा लिए हैं तौलिया बाल में, और शाम में थोड़ा दिक्कत होता है बाल धोने के लिए, इसलिए तौलिया लगा लिए थे। तो दोस्तों मेरा काम तो हो गया है, धान को निकालना, सुखाना और बोरा में डालना सब कर लिए हैं। अब इसका पापा का काम है, इसको लेके जाना, कुटवाना। इसको लेके जाएंगे, उसके बाद में हम भी जाएंगे अभी बाजार, सब्जी लाने जाना है, बाजार भी जाना है हमको। तो दोस्तों हम बाज़ार जाने के लिए एकदम से रेडी हो गए हैं, और आज ना 4:30 हो गया है, दोनों अभी तक आए नहीं हैं। 4 बजे वापस आते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, इतना लेट हो रहा है दोनों का। दोनों आएंगे उसके बाद में जाएंगे सोच रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं दोनों। हम रेडी होके रुके हुए हैं, बस दोनों का वेट कर रहे हैं। कब अभी खड़ा होके केवल कर सकती है इतना देर क्यों हुआ मैया? चल ना मार खा रही। अरे हाँ तो मारेगा जुन तब। चल चल। तो सब्जी वगैरह सब खरीदने के बाद में सीधे हम लोग आ गए हैं चाउमीन दुकान में। हम लोग का स्पेशल चाउमीन दुकान है जो कि है टाउन से एकदम बाहर, बाहर सेड है टाउन से, और टाउन तरफ का हम लोग नहीं लेते हैं, यहीं से लेते हैं। जब भी खाने का मन करता है ना यहीं पर आ जाते हैं, और बहुत अच्छा बनाते हैं वाला भैया। और आज अनुज के पापा घर में थे तो अनुज के पापा भी साथ में आए थे बाजार मेरे साथ में चाउमीन खरीदने के बाद में। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे वापस घर। क्या का चीज? लो लो थैला पकड़ो। वहाँ सिर में कहाँ डाल रही है? सिर में डाले साल का लगता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे सोने के लिए, रात का डिनर वगैरह सब हो गया है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज, नींद भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इधर पीछे देख सकते हैं मच्छरदानी लगा दिए हैं, इसको ठीक ठाक नहीं किए हैं, सिर्फ लगा के छोड़ दिए हैं। अनुज इधर खड़ा है पीछे, कैमरा के पीछे खड़ा है, हम लोग दोनों खड़े हैं इधर। अभी जाएंगे सोने के लिए, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल में कोई नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।